देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम चर्चा और हम बात करेंगे चुनावी माहौल पे। माहौल चुनावी है और चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है और आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। अब इंतजार है चुनाव का, लेकिन कहते हैं कि वक्त जितना भी हो उतना कम होता है और अब चुनाव आयोग की गाइडलाइन सामने आने के बाद सभी दल वर्चुअल माध्यम से जनता से जुड़ रहे हैं और अपनी योजनाएं बता रहे हैं। और बीजेपी की कुछ योजनाओं और काम बताने के लिए हमारे साथ चुनाव पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मऊ से बीजेपी नेता अभय सिंह जी, जो हमें बताएंगे कि कैसी चल रही है बीजेपी की चुनावी तैयारियां, मऊ में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, कैसा विकास रहा और 5 साल के कार्यकाल में बीजेपी ने जितना विकास किया है उसकी जानकारी भी देंगे। बहुत बहुत स्वागत है अभय जी आपका। तो सबसे पहला तो सवाल हम ये करना चाहेंगे कि इस वक्त बीजेपी ने जितने भी काम करे हैं उसका ब्यौरा वो देती हुई नजर आ रही है, आप क्या कुछ बताएंगे 5 सालों में कितना विकास किया है? जी देखिए, आपको खुद देखने में समझ आ रहा होगा कि विकास कितना हुआ है 5 सालों में। पूरा प्रदेश क्या, पूरा देश में आप देख रहे हैं, सरकार चूंकि केंद्र में भी है तो विकास हर जगह चारों तरफ चौतरफा विकास हुआ है, कहीं विकास कम नहीं हुआ है। पिछली सरकारों की तुलना आप करेंगे तो 70 सालों में जो नहीं हुआ वो 5 साल में हुआ है, 20 साल का हुआ। आप खुद तुलना को देख रहे होंगे, पूरी जनता इस चीज को देख रही है, सब लोग समझ रहे हैं बढ़िया से। जी अभय जी, जिस तरह से आप भी भावी प्रत्याशी हैं और टिकट की दावेदारी कर रहे हैं तो हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर आपको टिकट क्यों मिलना चाहिए, आपने अपनी विधानसभा में क्या क्या काम किया, आपको जनता से कितना प्यार मिलता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मऊ जिला जो है शुरू से 2500 साल से बाहुबलियों के कब्जे में रहा शुरू से आज तक। जी, तो यहाँ सबकी मनसा थी कि मऊ का अपना एक लोकल जिले स्तर का अपने घर का एक बेटा हो, मऊ का लड़का हो, विधायक बने, तो सबकी इच्छा थी। यहाँ पर मैं चूंकि 200 साल से एक समाज सेवक के रूप में काम कर रहा था, समाज सेवक था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही प्रत्याशी हो गया हूँ, लेकिन यह है कि मैं उस दौर में मैं भी चल रहा हूँ दौड़ में कि हो सकता है कि मुझ पर पार्टी विश्वास जताए तो मैं जो है जो बाहुबलियों का गुंडा राज चल रहा था उसको खत्म करने में मैं यहाँ कुछ अहम भूमिका मुख्य भूमिका निभाऊं, क्योंकि मैं अपने जिले को अच्छी तरह से जानता हूँ, यहाँ के लोगों से मैं बाकी जनता से यहाँ के लोग कितनी परेशानियों जिन्हे हैं, यहाँ जो बुनकर समाज है जिसको लेकर के विधायक ने आज तक यहाँ कोई काम नहीं किया, दंगे फसाद होते रहे, 2005 का कर्फ्यू दंगा आज तक कोई भूला नहीं है मऊ जिले का। तो उस दंगे में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ बुनकरों का, जिनको छलावा देकर के उस वोट लिया गया और कोई काम नहीं किया गया जिले में। तो इसको देखते हुए मैं उस वक्त छोटा था मगर हमारे दिमाग में चलता था कि मैं कभी अगर ऐसा मौका आया, ऐसा समय आया, जिले के लिए मैं जरूर कुछ करूंगा। मैं अपने समाज सेवा को हमेशा जारी रखा, करते रहा और जिले में मैं आज क्योंकि हिंदू जागरण मंच का मैं जिला अध्यक्ष भी था जी। मैं अभी वर्तमान हो गया हूँ, तो मैंने पहले था मैं पूर्व में था, वर्तमान में मैं प्रत्याशी के तौर पर अपने आप को प्रमोट कर रहा हूँ संभावित प्रत्याशी की सूची में रख करके। तो उस काम को आगे बढ़ाने के लिए समाज की सेवा करने के लिए एक विधायक बनना बहुत जरूरी है, जिसको नहीं होने के बाद नहीं हो पाएंगे तो जनता के बीच में पूरा पहुंच नहीं पाएंगे, सारी योजनाओं को दे नहीं पाएंगे, खुला हम लोगों तक पहुंचा नहीं पाएंगे, लाभ उनको मिलना चाहिए वास्तविकता। यानी आपने जनता के बीच में उनकी परेशानियों को देखा, इसी वजह से आप विधायक बनना चाहते हैं उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए। जी, तो कोरोना काल में जिस तरह से लोग परेशान रहे हैं तो उनकी परेशानी को दूर करने के लिए आपने क्या कुछ कदम उठाए हैं? जी, जैसे अब मेरे हाथ में जो इतना मैं सक्षम हो सकता हूँ उतना मैंने किया है लोगों के लिए। कभी जैसे मान लीजिए राशन वितरण का कार्य था जो भी, अब इसी 2 सालों का देख लीजिए, अभी ये पिछला लॉकडाउन जो था 2020 में और 21 में लगा था, ये दोनों में मैं अपने स्तर पे जितना हो सका, न मेरे पास कोई निधि है न कोई बहुत बड़ा कोई मतलब व्यवस्थाएं थी, लेकिन जो मेरे पास था धन बल से जन से मैं अपने दोस्तों के साथ लग करके अपना राशन वितरण करना, खाद्यान्न सामग्री देना, मास्क वितरण करना, सैनिटाइजिंग कराना, कंबल वितरण ठंड में लोगों को करना, जो मुझसे बन पाता है मैंने वो सब किया है और आगे भी करूंगा, निरंतर करूंगा। लेकिन बाकी बड़ी सुविधाएं देने के लिए जो कुछ पैकेज प्रदेश से आते हैं वो मैं नहीं दे पाता हूँ क्योंकि मैं उस सतह पे नहीं हूँ, मैं नहीं दे पाता उसको पहुंचाने के लिए आम जन तक, मुझे उस पर वहां होना चाहिए, मैं वहां होता तो शुरू करता, इसलिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को प्रमोट कर सकूं, आगे आ सकूं, आगे बढ़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जी अभय जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से हमें ये जानकारी कि आप आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, तो आरएसएस की नीतियों से और बीजेपी की नीतियों से प्रभावित तो होके आप बीजेपी के साथ हैं या फिर कोई और वजह है? आरएसएस का यहाँ सवाल है,
अपने आप में एक बहुत बड़ा समाज, जो आप आरएसएस को बहुत लोग कुछ अलग दृष्टि से देखते हैं, तो आरएसएस ना करके आप स्वयं सेवक कहा करें, मुझे अच्छा लगेगा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, हम लोग स्वयं सेवक है और स्वप्रेरणा से हम लोग काम करते, स्वप्रेरणा से हम काम करते हैं, हमें कुछ सिखाता नहीं है कि काम करते, लेकिन राष्ट्र का निर्माण और चरित्र निर्माण में एक आरएसएस की अहम भूमिका आती है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ उसकी अहम भूमिका आती है। बिना उसके कोई आप राष्ट्र का बढ़िया निर्माण नहीं कर सकते, आरएसएस ना होता तो शायद आज आज जहाँ पे आप जिस तरह बैठ के आसानी से हम लोग आप डिबेट चाहे बातचीत कर ले पा रहे हैं जी। ये नहीं हो पाता, ये संभव नहीं था। आरएसएस की देने क्या देखेंगे, अपने आप को हम बचा के रखे हुए हैं कि धरती सनातनी जो है आज भी चल रहे हैं उसको लेकर, आरएसएस की देंगे। मैं आरएसएस वाला ही बन के ज्यादा जीना चाहता हूँ, नेता नहीं बनना चाहता, समाज सेवक बनकर रहना चाहता हूँ। तो आप बीजेपी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो आप किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए और कौन कौन सी मुख्य परेशानियां हैं आपकी विधानसभा में जिसे आप दूर करना चाहते हैं? देखिए, पहले तो विधानसभा में हमारे अभी सत्ता पिछली अभी पहली बार जो है भाजपा की सरकार यहाँ पे कुछ काम की है, इसके पहले सत्ता दूसरे की थी, तो पहले दूसरे की सरकार थी, काम हुआ नहीं था। ये जो आप देख रही है जो काम, जो बेरोजगारी है, जो मुद्दा उठाया जा रहा है, क्या ये स्थितियां हैं, ये पांच आज दो चार साल पांच साल में ही है आई, ये स्थितियां 20-25 सालों से आ रही है पहले से। इस समय उस खाई को पाटा जा रहा है, जो खाइयां पहले सरकारों ने पिछली सरकारों ने करके गई हुई हैं उनको बराबर किया गया है। आगे विकास सीधे सीधे होगा और हो ही रहा है। जो आप पांच साल की बात की है, तो पांच साल में मैं देख रहा हूँ कि इस समय जो जिले को चाहिए वो बता रहा हूँ, यहाँ पे शिक्षा शिक्षा की समुचित व्यवस्था। मैं अपने विधानसभा की सिर्फ बात करूँ तो अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं गांव गांव जो भी मेरे विधानसभा के क्षेत्र में जो ब्लॉक पड़ते हैं दोनों, जो भी हमारे यहाँ ब्लॉक अब जो 150 गांव आते हैं जी। मैं उनको शिक्षा की मेन पहले व्यवस्था कराऊंगा, टीचर की जो कमियां हैं उनको पूरी कराने की पूरी प्रयास किया जाएगा। नई सरकार ये पता है तो कम से कम मानदेय पे ही सही 15,000-20,000 सैलरी पे ही सही कम से कम विद्यालय में टीचर पूरे भरे जाए और गांव गांव कैंपेनिंग करके बच्चों को विद्यालय में उनको बुलाया जाए, वहां हमारे भी अपने बच्चों विद्यालय में जाएंगे तब विकास होगा। मैं शिक्षा पे दिमाग लगाया हूँ पहला, और दूसरा मेरा चला है व्यवसाय रोजगार पे। जो लोग आज की डेट में परेशान है, जो कह रहे हैं बेरोजगार बेरोजगार हैं, बेरोजगार इतना इतनी बड़ी जनसंख्या वाले आबादी वाले प्रदेश में रोजगार सबको संभव नहीं है। रोजगार होता है तो सीमित होता है, आज बाकी व्यक्ति अपना खुद स्वरोजगार करता है, नौकरी सीमित होती है, नौकरियां स्वरोजगार भी करना जरूरी है। मैं उस पर एक हमारे यहाँ कताई मिल बंद है दो दो, मैं प्रयास करूंगा कि एक मिल हमारी जो है कम से कम इस तरह मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके जैसे भी हो के हाथ जोड़ के हो सके प्रार्थना विनती जैसे भी हो सके मैं प्रयास करूंगा जनता के लिए कि उसको ले आऊं, मिल चालू हो, कम से कम एक मिल चालू हो तो 2,000 कर्मचारी काम करेंगे। 2,000 कर्मचारी का मतलब कम से कम 10,000 लोगों को भोजन मिलेगा। तो मेरा मुद्दा ये है बिजनेस व्यापार नौकरी पे थोड़ा सा रोजगार पे। और तीसरा मुद्दा था स्वास्थ्य का, स्वास्थ्य का तो उस पर हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने ध्यान दिया है, 75 जिले में इस समय बनने के लिए आ गया है, हॉस्पिटल जो है बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, तो ये सब चल रहा है, आगे आगे बढ़िया काम और भी होगा और आगे आपको देखने के लिए। जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कहते हैं कि कई योजनाएं चलाई जा रही है सरकार द्वारा, उसका लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचा है, तो आपकी विधानसभा में कैसा हाल देखने को मिला? क्या आपकी विधानसभा में भी सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंची है? जी, पूरा पहुंचाने का हमारे विधानसभा में काम किया गया, हमारे विधानसभा में तो नहीं हो पाया जी। जो अगल बगल विधानसभा यहाँ भाजपा की सरकार सीट थी जहाँ विधायक जीते थे वो तो काम किए, हमारे जहाँ से मैं आता हूँ सदर विधानसभा से, ये मुख्तार अंसारी बाहुबली मुख्तार अंसारी का ये क्षेत्र है, यहाँ भी सुविधाएं नहीं मिल पाई क्योंकि ये 2500 साल से वो जीत करके बैठे रहते हैं घर पर और 15 साल से जेल में है, यहाँ के लोग सुविधाएं न पहुंच पाते हैं न लोग बता पाते हैं। और इस सरकार ने अच्छा काम किया, अधिकारी वर्ग को मैं कहूँ अधिकारी वर्ग जो भले सुविधाएं न दे पा रहे हैं, ये कमियां इनकी है, हमारी उनकी है कि हम लोग कमियों उसको लेकर पहुंच नहीं पा रहे हैं पूरा जनता के बीच तक जी। तो क्या सरकार प्रयास नहीं करती है कि आपकी विधानसभा तक भी सारी योजनाओं का लाभ पहुंचा सके? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यहाँ विधायक हमारा वैसा है कि जो काम योजनाओं को पहुंचा नहीं पाता किसी के पास जी। तो क्या विधायक के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, क्या इसकी शिकायत करी गई है? शिकायत की गई है भाई, तो आखिर में विधायक जो मैडम जेल में बंद हो उसको क्या कहेंगे? अब जो जो व्यक्ति कभी कुछ काम ही नहीं किया, सिर्फ अपनी हनक बनाने के लिए, अपनी बाहुबली को रखने के लिए, गुंडागर्दी को बचाने के लिए विधायक बन के बैठा हुआ है कि मतलब मैं विधायक रहूंगा तो प्रोटेक्शन मिलता है उसको, उससे उसको कोई छू न सके, कोई हटा न सके, कोई बोल न सके। तो क्या जनता परिवर्तन चाहती है? जनता चाहती है कि कोई और विधायक चुना जाए जो उनके लिए काम करे? 100%
100% जनता चाहती है कि यहाँ का कोई लोकल घर का लड़का रहे, मऊ का रहे, मैं नहीं कोई भी व्यक्ति हो लेकिन मऊ से रहे, अपने बीच का हो, जिससे एक समाज में खड़ा होकर दुकान वाला, चाय वाला, बिजनेस वाला, खेत खलिहान में काम कर रहा मजदूर भी बात कर सके विधायक जी से। ऐसा नहीं विधायक चाहिए जो 10 बैनर में के साथ चले और जनता के पास जाए तो जनता डर के मारे उससे बातें नहीं कर पाए। ऐसा विधायक हम लोगों ने 25 साल से देख लिया है, तो हमको वो नहीं चाहिए। कोई उड़ करके दिल्ली बम्बई से आ जाए, अचानक आए, पैराशूट द्वारा मुंह में आ जाए, विधानसभा का टिकट मांग ले, कभी कहीं कुछ हो जाए। कुछ लोग ऐसे हैं इस समय कि बहुत तेजी से आगे चलना चाहते हैं, हर उनको हर विभाग का हर चीज चाहिए होता है, तो ऐसा नहीं चाहिए। यहाँ अपने बीच का लड़का चाहिए, किसान से सीधे जाके बात करें, कोई भी कुछ घर दरवाजा आके बैठ के बात करें, सुविधाएं पूरी मिल सके, ये विधायक यहाँ पे चाहिए। बिल्कुल अभय जी, अगर आपको मौका मिलता है तो आप कौन कौन से विकास कार्य करेंगे? अगर बात करें स्कूल की, शिक्षा की, महिलाओं की सुरक्षा की, जो कि सबसे अहम मुद्दा है बीजेपी का, और साथ ही सड़क निर्माण, तो किस तरह से काम करेंगे इन सब मुद्दों पे? सड़क निर्माण पे बात है, सड़क निर्माण बहुत अच्छा हो रहा है पूरे प्रदेश में। अभी जल्दी हाल ही में बसपा की रैली निकली है हमारे यहाँ, जो कुशवाहा जी है, मधुपुर विधानसभा से रैली निकाली है जी। तो अगर सड़क अच्छी नहीं होती तो उनके जो कार्यकर्ता थे वो बाइक का हाथ छोड़ के हैंडल नहीं चलाते, हैंडल छोड़ के चलाते देखे गए तो एक दो लोग बाइक से गिर भी गए। पिछली सरकारों में सड़क में गड्ढे थे कि गड्ढे में सरकार थी, ये पता नहीं चलता था। इस सरकार में विकास सीधे आपको दिख रहा है, एक्सप्रेस वे दिख रहा है आपको, 4-4, 6-6 एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, लगातार कुछ बन रहे हैं, कुछ बन चुके हैं, आप लगातार देख रहे होंगे। आपकी ये व्यवस्थाएं तो चल रही है और जो सुविधाएं हैं, सुविधाएं मिलेंगी, महिलाओं के लिए भी पूरा विचार है किया जाएगा। और मेरी जहां तक बात नहीं, आप क्या करेंगे, तो मेरे विचार में ये भी था कि जो कुछ गरीब, ऐसे गरीब तबके हैं जो व्यवस्थाएं पूरी नहीं पा पाते हैं, व्यवस्थाएं पाने के बाद भी वो परेशान रहते हैं। मान लीजिए घर में कुछ बच्चे हैं, शादी योग्य हैं, तो उनको व्यवस्थाएं 10-5 हजार दे देने से नहीं काम चल जाएगा, उनका कोई निजी से काम नहीं चल जाएगा, उनके लिए किसी एक व्यक्ति को आगे उठ जाना पड़ेगा समाज। मैं वो कदम उठाना चाहता हूँ कि कम से कम हर बार, हर हर साल विधानसभा आने के बाद, हर साल में 20 से 25-30 बच्चियों की अपने विधानसभा क्षेत्रों की, बहुत बड़ा एरिया का नहीं बात करूँ, सिर्फ मऊ जिले की, मऊ विधानसभा के सदर का जहाँ मैं हूँ, उसमें एरिए के 150 गांव से मैं चुनूंगा, जो गरीब, जो गरीब तबका होगा, 20-25 कन्याओं की शादी भी फ्री में मैं ही कराऊंगा, मैं कराऊंगा जी, हर साल कराऊंगा, ये मेरा सोचना है जी। कई बार ऐसा देखा जाता है कि राशन वितरण में जो है कमी आती है और जो है भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, इस पे कैसे लगाम लगाने की कोशिश करेंगे? जो राशन वितरण में ना आता है तो जनता जो राशन देने के लिए जाती है, जो हम आप जाते हैं, तो हमको तो आवाज उठानी चाहिए जी। हम आवाज उठाएंगे तभी आवाज पकड़ जाए, कोई आवाज विधायक के पास तक आनी तो चाहिए कि हाँ ये काम हमारा ऐसा हो रहा है, यहाँ सही नहीं हो रहा है। जब उठाएंगे नहीं आवाज, तो मैं अकेले क्या कर सकते हैं, कोई व्यक्ति क्या कर सकता है जी। जब जनता कहेगी तब होगा। हम चोरी करें और जनता देख कर कुछ बोले ना, फिर कहाँ से बात उजागर होगी? जनता बताए उस चीज को, कहाँ चोरी हो रही है, उसको तुरंत मुख्यमंत्री जी लगाम लगाएंगे, सख्ती से काम कराएंगे जी। बिल्कुल अभय जी, अब हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं जनता को, क्योंकि अब आचार संहिता भी लग गई है, अब चुनाव नजदीक है और कोरोना काल भी है, तो क्या कोई संदेश देना चाहेंगे? अब जनता को ये संदेश देना चाहूंगा कि इस बार राम राज्य की स्थापना हो गई है, अयोध्या में मंदिर भी बन गया है, 370 धारा हट गई, अब आप 3 तलाक वाला मामला भी खत्म हो गया है। अब देखिए जनता समझदार हो चुकी है, मैं इसे यही कहूंगा कि अब सोच समझ के अपने चुनाव में, अब ये ना देखिए कि कौन, जो व्यक्ति 25-50 लाख 1 करोड़ खर्च करके चुनाव में आता है उसको वोट तो बिल्कुल कदापि न दें। जो पैसा खर्च करके आएगा वो किसी भी दल का हो, चाहे हमारे चाहे किसी दल, जो पैसा खर्च करके चुनाव में आएगा वो पैसा कमाने के लिए ही आएगा, इसको ध्यान में रखें। जो पैसा खर्च करके आएगा वो पैसा कमाने आएगा, न कि आपका विकास करने आएगा। तो विकास चाहिए तो ऐसे ही बराम एक बार इसको निरंतर आगे 3-5 साल बढ़ाने की आवश्यकता हमको आपको है, पूरी जनता को है, लोग देखें। आपने राम मंदिर मांगा, आपको फ्री में एक हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर मिल गया, आपको इतना अच्छा मिल गया, तो कम से कम जनता से आग्रह है कि आप लोग बनवाए। इस बार गुलकर के लिए सरकार अच्छा को जाने जा रही है, लाभ होने वाला है सरकार से जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। इस चर्चा में हमारे साथ मऊ से बीजेपी नेता और भावी प्रत्याशी अभय सिंह जी जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि उनकी विधानसभा में कैसा हाल है, अब जनता परिवर्तन चाहती है कि कोई अच्छा विधायक आए और उनके विधानसभा में विकास का कार्य करे, उनके लिए काम करे और साथ ही जनता के साथ सुख और दुख में खड़ा रहे। इस प्राइम चर्चा में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी,
सच साहस सरोकार।